हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, ये वीडियो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर्स के बारे में है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो एयर कंडीशनर्स बनाती हैं या उनमें डील करती हैं, लेकिन जब हम एक भरोसेमंद एयर कंडीशनर की बात करते हैं, हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो कुछ ही कंपनियों के नाम सामने आते हैं और उनमें से ही मित्सुबिशी एक कंपनी है। क्योंकि दोस्तों, आकाश में तारे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ही तारे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टिमटिमाते हैं, और उन्हीं कुछ सितारों में से मित्सुबिशी का नाम आता है। क्योंकि 1920 से लेकर अब तक मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर बना रही है, और आप सब जानते हो कि इतना बड़ा एक्सपीरियंस जिस कंपनी के पास होता है, वो एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है और तभी दिलों पर राज करती है। इसका प्रूफ आपको मेरी वीडियोस में कमेंट्स में मिल जाएगा, क्योंकि कमेंट्स में कई सौ कमेंट्स ऐसे हैं जो मित्सुबिशी के लवर्स ने किए हुए हैं, और उन्हीं के लिए हैवी डिमांड के ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक ऐसे कमेंट करे कि मित्सुबिशी के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाया जाए, तो ये वीडियो मित्सुबिशी लवर्स के लिए बना रहा हूँ। और इसमें हम बात करेंगे ऐसे रीजंस की जिनकी वजह से लोग मित्सुबिशी के दीवाने हैं। हालांकि मित्सुबिशी के नाम से दो ब्रांड हैं, एक हैवी और एक इलेक्ट्रिक, लेकिन इस वीडियो में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एयर कंडीशनर्स की बात करेंगे और उनमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी की, और वीडियो के लास्ट में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के प्रोज एंड कॉन्स भी जानेंगे, ताकि हमें ये पता लग सके कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक लेने के नुकसान भी क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट जो एयर कंडीशनर का हार्ट होता है, यानी कि दिल होता है, वो होता है उसका कंप्रेसर। तो कंप्रेसर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एयर कंडीशनर्स में ट्रॉपिकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर यूज़ किया जाता है, जो अभी इनके लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर्स आ रहे हैं उनमें। दोस्तों, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट होती है, और ट्रॉपिकल इन्वर्टर जो होता है वो बेसिकली एम्बिएंट टेम्परेचर हाई होने पर भी कंप्रेसर को हीट नहीं होने देता है, कंडेंसर कॉइल को ज़्यादा हीट नहीं होने देता है। इसीलिए एक्सेस गर्मी में भी 52 डिग्री के टेम्परेचर पे भी उनका जो कंप्रेसर है वो काम करता है, और कंपनी का ये गारंटेड कहना है कि 52 डिग्री भी अगर टेम्परेचर हो जाए एम्बिएंट, तो कंप्रेसर ट्रिप नहीं करता उनका। ये बहुत बड़ी बात है, और जो लोग मित्सुबिशी यूज़ करते हैं वो इस बात को भलीभांति जानते हैं कि उनको ट्रिपिंग की प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है, क्योंकि इनके आउटडोर में भी हीट सेंसर लगे होते हैं जो एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से कंप्रेसर की वर्किंग को मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर ओवरहीट नहीं होता और वो ट्रिप नहीं होता, और परफेक्टली कूलिंग जो है वो कमरे में आती रहती है। दोस्तों, कंप्रेसर के बाद आउटडोर में दूसरा मेजर पार्ट लगा होता है, वो होता है फैन। और दोस्तों, ये प्रोपेलर फैन का यूज़ करते हैं, जिसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह की होती है। एक तो साइज़ उसका थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से हीट एक्सचेंज बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, यानी कि जो कंडेंसर है उसकी हीट को बाहर फेंकता है जो फैन, वो बहुत ही एफिशिएंटली फेंकता है। उसकी जो लुक है, उसका जो डिज़ाइन है, वो इस तरह से बनाया हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा एयर को वो बाहर की तरफ फेंकता है। तो उससे होता क्या है, कंडेंसर बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ओवरहीट नहीं होता है, और अगर कंडेंसर ओवरहीट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कंप्रेसर भी ओवरहीट नहीं होगा, जिससे वो ट्रिप भी नहीं होगा, और आपके जो कमरे में कूलिंग हो रही है वो बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं होगी, वो बिल्कुल प्रॉपरली कूलिंग करता रहेगा एसी, बिना किसी ट्रिपिंग के, बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों, तीसरा मेजर पार्ट इन्वर्टर एसीज के आउटडोर में लगा होता है, उनका पीसीबी। तो दोस्तों, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में जो पीसीबी यूज़ किए जाते हैं, उनके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग की जाती है, ताकि ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर वगैरह से कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, या किसी इंसेक्ट या कोई कीड़ा पतंगा आप मान लो कोई आ जाए, उसकी वजह से भी किसी भी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। और इनके पीसीबी 450 वोल्ट तक कोई दिक्कत नहीं करते हैं। अगर इनके पीसीबी इतने कैपेबल होते हैं कि अगर आपको एकदम से ज़्यादा वोल्टेज भी आ जाए,
तो पीसीबी खराब नहीं होते हैं। और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के आउटडोर में एक स्पेशल कोटिंग करते हैं, ये बेसिकली जो चद्दर है आउटडोर का जो कवर होता है वो चद्दर में जंग ना लगे, क्योंकि आउटडोर आप सब जानते हो बाहर बारिश में आंधी तूफान में किसी भी वेदर में उनको बाहर ही रहना है, तो इनके आउटडोर के ऊपर एक स्पेशल कोटिंग की होती है जिसकी वजह से जंग या कोरोजन लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यानी कि इनकी बॉडी जो है वो स्पेशल कोटेड है, उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तो हो गई दोस्तों बात आउटडोर की, अब चलते हैं इंडोर की तरफ। तो इंडोर में जो सबसे मेजर पार्ट लगा होता है वो होता है कूलिंग कॉइल। दोस्तों कंडेंसर कॉइल आउटडोर की और कूलिंग कॉइल इंडोर की दोनों ही 100% कॉपर की बनी होती हैं और ग्रूव पाइप उसमें यूज़ किया जाता है, जिससे एक बहुत ही बढ़िया कूलिंग एक्सपीरियंस आपको होता है। और कॉपर की कॉइल्स मेंटेनेंस वाइज भी बहुत ही ज़्यादा ठीक रहती हैं, क्योंकि उनको लो कॉस्ट में मेंटेन किया जा सकता है, रिपेयर कराया जा सकता है। जबकि आप सब जानते हो अगर एल्युमिनियम की कॉइल होती है तो उसको रिप्लेस ही कराना पड़ता है, और वैसे भी मेटल जो है वो कॉपर हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज़्यादा ड्यूरेबल कॉपर ही रहता है। इसलिए मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक अपने सभी एसीज में 100% कॉपर कॉइल्स का यूज़ करती है। और इनकी कूलिंग कॉइल्स के ऊपर एंटी कोरोजन कोटिंग हो रखी होती है, जिसकी वजह से जो यू बैंड्स होते हैं या सी बैंड्स होते हैं कॉइल के, उनके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग हो रखी होती है, जिनकी वजह से उनके ऊपर कोरोजन नहीं आता। तो जो लोग गंदे नाले के आसपास रहते हैं या किसी सॉल्टी वाटर के आसपास रहते हैं जहां पर मॉइस्चर रहता है, जिनकी वजह से कोरोजन हो जाता है या गैस लीकेज की प्रॉब्लम आती है, तो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एसी अगर आपने लिया है तो वहाँ पर आपको गैस लीकेज की प्रॉब्लम कम हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग करके देती है कंपनी। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गैस लीक होगी ही नहीं, होगी लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ पे हर साल होती है तो उस केस में आपको 2 या 3 सीजन के बाद वो प्रॉब्लम आती है। और इसमें आपको 12 मीटर तक का एयर फ्लो एक्सपीरियंस होता है। जी हाँ दोस्तों, 12 मीटर तक इसकी हवा जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि 10 फुट 12 फुट नॉर्मल होता है, यहाँ पर बात मीटर में हो रही है। तो इसीलिए मित्सुबिशी के दीवाने हैं लोग, क्योंकि कमरे के कोने कोने तक हवा जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्वाइट कूलिंग देते हैं आपको, साइलेंट कूलिंग देते हैं, बिल्कुल भी आपको पता भी नहीं लगेगा कि इंडोर चल रहा है। 19 या 18 डीबी के आसपास इनका साउंड होता है, जो कि बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। आप स्पेसिफिकेशन चेक कीजिए किसी भी ब्रांड की, आपको 25-26 से ऊपर ही मिलेगा साउंड या नॉइस लेवल इंडोर का। इसका आपको 19 या 18 के आसपास मिलेगा मित्सुबिशी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपको बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं होता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप एक गहरी नींद सोते हैं, बढ़िया नींद सोते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। दोस्तों ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जिनकी वजह से मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक ने मार्केट में अपनी एक पहचान बनाई हुई है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन इसी के साथ कंपनी के कुछ और प्रॉज हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जितने भी एयर कंडीशनर बनाती है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, उसमें इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट का यूज़ होता है, यानी कि R32 या R410A गैस ही उनमें अब आपको मिलती है, जो कि हमारी ओजोन लेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है ये गैसें। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बाहर अगर हाइएस्ट टेम्परेचर भी हो जाए, 45, 48, 50 तक भी हो जाए, तो भी इनके एयर कंडीशनर्स परफेक्टली काम करते हैं, यूनिफॉर्म कूलिंग देते हैं, और इनका जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल भी ट्रिप नहीं करता है। हाँ, आपको टाइम टू टाइम इसको सर्विस ज़रूर कराना है, ये नहीं है कि बिना सर्विस के चलाते रहो तो ट्रिप होगा ही होगा। लेकिन आप अगर इसको टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा मित्सुबिशी का एसी, और मेंटेनेंस भी बहुत कम है, इतनी जल्दी खराब ही नहीं होते हैं प्रोडक्ट। इसीलिए मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक को 2017 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला
लॉन्गेस्ट रनिंग क्रॉस फ्लो में, तो यानी कि इनके जो मोटर्स हैं वो इतने एफिशिएंट हैं कि जितना मर्जी उनको लॉन्गेस्ट चला लो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वो चलते रहते हैं। इनके आउटडोर में लगी हुई पीसीबी सब कुछ कंट्रोल करती है एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से। और एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि इतने हैवी होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं दोस्तों। 4, 5 या 5.5 एम्पेयर पर 1.5 टन का एसी चलता है मित्सुबिशी का, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट माना जा सकता है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम 1.5 टन की बात करें तो 6-6.5 एम्पेयर लेते हैं मशीन, लेकिन इनकी मशीन 4 से 5.5 के बीच में एम्पेयर लेती है, तो बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं इनके एसी। अब बात करते हैं कॉन्स की, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं, तो चलिए एक एक करके कॉन्स भी जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट जो है कॉन्स का वो ये है कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक सिर्फ स्प्लिट एसी में डील करते हैं या स्प्लिट एसी ही बनाते हैं, विंडो टाइप के एसी नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों विंडो टाइप के जो एसी लोग लेना चाहते हैं वो लोग मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक पर नहीं जा पाते हैं, उनको वहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक को अप्रोच नहीं कर पाते हैं। और ये सिर्फ स्प्लिट एसी बनाते हैं, इस वजह से इनकी सेल थोड़ी कम होती है और जिसके कारण इनके सर्विस सेंटर भी कम हैं। ये भी एक इनका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर सर्विस सेंटर नहीं होंगे तो लोग ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे या आपका प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि आफ्टर सेल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी ब्रांड के लिए। बहुत ज़्यादा कीमत रखते हैं मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक वाले अपने एयर कंडीशनर्स की, हालांकि टेक्नोलॉजी अच्छी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें तो इनके एसी काफ़ी महंगे होते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थाईलैंड में होती है और वहाँ से पूरा का पूरा एसी ही इंपोर्ट किया जाता है, जो कि ड्यूटीज़ वगैरह पढ़कर काफ़ी महंगा पड़ता है कंज्यूमर को। लेकिन जो दीवाने हैं वो तो ज़रूर लेते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना महंगा है, क्योंकि सॉलिड चीज़ अगर आप लेना चाहते हो तो पैसे तो ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे ही। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि महंगे एसीज़ को अफोर्ड सारे लोग नहीं कर पाते हैं, हमेशा अपने बजट के हिसाब से ही लोग एसी ढूंढते हैं। तो दोस्तों सारे मेजर फीचर्स की बात हो चुकी है, प्रोज एंड कॉन्स की बात हो चुकी है, अब लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि नो डाउट मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के जो प्रोडक्ट हैं, जो एयर कंडीशनर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत अच्छी कूलिंग करते हैं, बहुत अच्छा कूलिंग एक्सपीरियंस देते हैं आपको, और बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। और अगर आप मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का एसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि अपने एरिया में इनके सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि इनके सर्विस सेंटर कम है, इसलिए आपको हो सकता है आफ्टर सेल सर्विस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए अगर आपके वहाँ पर इनका सर्विस सेंटर ना हो। अगर आपके शहर में नियर बाय कोई सर्विस सेंटर है तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, तब आप एयर कंडीशनर ज़रूर ले लें मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के कुछ लेटेस्ट मॉडल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।